हाल बिहाल। यह दृश्य देखकर आप सोच रहे होंगे कि हम आपको किसी वेस्ट मैनेजमेंट ग्राउंड का हाल दिखा रहे हैं, जबकि सच कुछ और है। यह दृश्य है बोकारो के सबसे पॉश कॉलोनी कॉपरेटिव कॉलोनी की है, जहां एक ओर पूरा देश स्वच्छता को अपना जीवन शैली बना रहा है, वहीं यह तस्वीर कुछ और ही कह रही है। 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे को जब द टाइम्स मीडिया की टीम वहां पहुंची, तब हमने बोकारो के इस मोहल्ले को गंदगी में जकड़ा हुआ पाया। एक तो कोरोना काल में लोग अपने आप को स्वच्छ रखना चाहते हैं, मगर ये कचरा इनको उस तरह से नहीं रहने दे रहा है। जब भी हवा चलता है ये कचरा इनके घर के अंदर आ जाता है और इससे मच्छर मक्खी का भी संभावना बना हुआ है। डर डर के लोग यहाँ की इस रिहायशी इलाका कोऑपरेटिव कॉलोनी में लोग रह रहे हैं। कहा जाता है कि बोकारो का अगर पॉश इलाका है तो ये कोऑपरेटिव कॉलोनी। यहाँ पर कई ऐसे अधिकारी जो रिटायर करके अपना मकान बना के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, मगर आज ये कचड़े के ढेर ने इन्हें हर दिन सुबह शाम इस सोचने पर मजबूर कर रखा है कि आखिर में इस कचड़े का निदान कैसे होगा। स्थिति अच्छी नहीं है, मतलब कचरा तो यहाँ रहता ही है, मच्छर वगैरह का भी ऐसा यहाँ छिड़काव नहीं होता है। तो अभी शायद प्रशासन से नियुक्ति है यहाँ पे, अभी इलेक्टेड मेंबर्स यहाँ है नहीं, तो आफ्टर इलेक्शन ही लगता है कि स्थिति सुधरेगी, और प्रशासन का ध्यान यहाँ नहीं है। कूड़ा तो आप अगर आप घूमेंगे तो देखेंगे हर चौराहे पर फैला हुआ है। लॉकडाउन के पहले से ये स्थिति है, रिक्वेस्ट करके करवाना पड़ता है। तो जो कचरा अभी कुछ भी नहीं उठ रहा है, ऐसा ही है? नहीं, कुछ कुछ उठता है बट इफिशियंटली नहीं उठता है। तो ये जो उठता है कैसे उठता है, क्या है मतलब? इसके बारे में बहुत जानकारी नहीं है मेरे को, लेकिन आता है सवेरे। जैसे सोसाइटी जब वर्किंग रहती थी तो उस पर तो सुपर शाम अपना हटा करके ले जाता था। उसके पहले BSL प्रबंधन के द्वारा यहाँ वो कूड़ा वाला दिया जाता था, लेकिन प्रबंधन से क्या बात हुई पता नहीं, वो सब हट चुका है। सोसाइटी शायद खुद के लेवल पे ही ये सारा चीज करती है, BSL से शायद कोऑपरेशन इस मामले में नहीं है। अभी तो कूड़ा फेंकने का ऐसा जगह है, पूरा पूरा उड़ उड़ के घर के अंदर घुसता है, चारों पांचों जितने भी घर, थोड़ा हवा चले तो सब पूरा कूड़ा घर के अंदर। चक्रवर्ती जी, ये जो कचरा आप देख रहे हैं, कितने दिन से आपके घर के हो गया सर? महीना भर हो गया, महीना भर से ऊपर। क्या कारण है इसका? कारण है, पहले गाड़ी उड़ी आता था सफाई करने के लिए, तो अभी तो आदमी आता था, फिर थोड़ा बहुत जला के चला जाता। तो पहले कैसे साफ होता था? पहले क्या होता था? ये आता था ट्रैक्टर, क्या नाम है, ट्रॉली टाइप का, आके उसको लोड करके ले जाता था। तो महीना भर से ये सब नहीं आ रहा। कोरोना का टाइम में है, ये सब कचरा यदि गंदगी रह जाए तो सोचिए तो क्या हाल होगा। अच्छा ये बताइए, ये जो कचरा इतना ज़्यादा उड़ रहा है, इसका निदान क्या है, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मैनेजिंग कमेटी है कोऑपरेटिव सोसाइटी की, जिसको बर्खास्त कर दिया गया है, उसको बहाल किया जाना चाहिए। और जब तक वो ये बहाल नहीं हो रहा है, तब तक की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंटेड हैं, जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं। तो ऐसा लग नहीं रहा है कि इस पर किसी का ध्यान है। सारे लोग जो है कोरोना पेशेंट्स के ओर, उनको पहचान करने, उनका निदान करने, इसमें लगे हुए हैं। और ये जो मूलभूत समस्या है, जिससे स्वास्थ्य की और भी समस्याएं पैदा हो सकती हैं, उनके ऊपर जो है उसके ऊपर किसी का ध्यान है नहीं। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ज़्यादातर जो निर्णय लिए जाते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं, और ज़्यादा जो एक्शन भी लिया जाता है वो सामूहिक एक्शन होता है। तो हम लोगों ने अपने स्तर पर जहाँ जहाँ आवेदन देना था वहाँ आवेदन दिया है। अभी 7 दिन पहले DC साहब को लिखित आवेदन दिया गया है, उसके पहले टाउन एडमिनिस्ट्रेटर साहब को दिया गया है, उसके पहले डॉक्टर सरोज तिवारी जो यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, सोशल हेल्थ डिपार्टमेंट देखते हैं, सरोज तिवारी साहब को भी लिखित आवेदन दिया गया था। उन्होंने अपने स्तर से कुछ कार्रवाई भी की थी, कुछ दिनों तक ये हटाने का प्रयास किया। लेकिन मूलभूत समस्या ये है कि समाज जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको 3 महीने से वेतन नहीं मिला कोरोना के बाद। तो 3 महीने तक हमारे सफाई कर्मचारी बिना वेतन के काम करते रहे, लेकिन आखिर कितने दिनों तक ये चल सकता था? तो उन्होंने भी जो है वो काम करना बंद कर दिया। अब जब सफाई कर्मचारी उठाएंगे ही नहीं यहाँ से कूड़ा, तो वो कहाँ से हो पाएगा? अपने सहयोगी सुदीप के साथ मैं हिमांशु, हाल बिहाल।